महागठबंधन आज राजभवन मार्च कर रहा है। इनकम टैक्स गोलंबर का नजारा हमने आपको दिखाया। यहाँ पर राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र है, मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र है। किस बात से नाराजगी है जो राजभवन मार्च? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का संतुलन खराब हो गया है। अच्छा, और गद्दी जाते देख रहे हैं कि मेरी गद्दी जा रही है, कुर्सी जा रही है, क्योंकि कुर्सी कुमार के नाम से वो जाने जाते रहे हैं, पलटू राम के नाम से जाने जाते रहे हैं, इसलिए उनकी कुर्सी जाती नजर आ रही है, इसलिए मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और हमने कहा है कि या तो रांची अगर ज़्यादा है तो रांची भेज देना चाहिए, कुछ कम है अगर मानसिक रूप से बीमार है तो उनको कोइलवर भर्ती कर देना चाहिए। हम महागठबंधन के लोगों को सड़क छाप उन्होंने बोलने का काम किया है, उनको सड़क छाप भी नहीं हम लोग छोड़ेंगे और जनता नहीं छोड़ने जा रही है। इस बार ऐसे जगह उनको फेंकेगी कि बिहार में उनका नाम न लेने वाला कोई नहीं रहेगा। उनको इतना दूर भेज देगी जनता कि उन बिहार की जनता, देश की जनता, उनका नाम भी मिट जाए। इस प्रदर्शन से लेकिन जनता को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, ट्रैफिक जाम लग गया है आंदोलन में। देखिए, आंदोलन में परेशानी हर लोग को होती है और आंदोलन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा कर्तव्य बनता है। जिस तरह से, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उन्हें माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से, तब हम लोग छोड़ेंगे। पहले उपेंद्र कुशवाहा के भी समर्थकों ने प्रदर्शन किया लेकिन कुछ असर नहीं दिखता पड़ रहा है इन प्रदर्शनों। महागठबंधन का असर ऐसा आएगा कि देश के गद्दी से भी नरेंद्र मोदी भागेंगे और बिहार की गद्दी से नीतीश कुमार अपने आप को रुस्कत करने का काम करेंगे। और महागठबंधन की बाकी पार्टियां सब लोग आज हैं सड़कों पर। जनता ये कहने आ रही है कि मुख्यमंत्री गद्दी खाली करो कि तेजस्वी यादव आ रहा है। चलिए, तो मुख्यमंत्री खाली करो के तेजस्वी आ रहे हैं इस नारे के साथ महागठबंधन आज सड़कों पर है, राजभवन मार्च करने जा रहा है। लेकिन बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। धन्यवाद।